सो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज आपके सामने एक ऑन पीसीबी से ब्लैक पेस्टेड आईसी को निकाल के दिखाऊंगा। बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे पास डिस्प्ले नहीं है, आपने रीडिंग से देखनी है। उसकी रीडिंग 200 के ऊपर जाके ये ऑन होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीवो का हैंडसेट है, कोई सावमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियाटेक का वीवो का एक हैंडसेट है, और इसका जो पेस्ट होता है काफ़ी हार्ड होता है नॉर्मल पेस्ट की तुलना में। तो हम इसको स्विच करेंगे, तो पहले आप इसकी रीडिंग देख लो। ब्लैक कलर की कोराड में, रेड कलर के डिजिट में, तो ये 200 मिली एम्पियर के ऊपर जाएगा, तो डेट मीन ये एक ओके है। उसके ऊपर फ्लक्चुएट करना चाहिए 400, 500, 600, इस तरह से। सो देखिए, ये ओके की रीडिंग है, तो इसका मतलब हमारा जब हमें पावर एसी लगाएंगे तो हमें सेम रीडिंग यहीं पर, जैसी रीडिंग अभी मिल रही है वैसी रीडिंग हमें मिलनी चाहिए, बराबर। चलो, तो हम इसके पावर एसी पर काम करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले आपने पीसीबी के आसपास के एरिया को टच करना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ब्लैक पेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कंपोनेंट को भी, कंपोनेंट के ऊपर भी ये जा रहा है। मतलब ये सिर्फ आईसी तक नहीं है, ये कंपोनेंट पर भी है। देखो, आई डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका आई डायग्नोस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आपने नोटिस करना है कि कंपोनेंट के आसपास सबसे पहले आपने ग्लू कट करना है, ताकि कंपोनेंट और आईसी की जो रास्ता है अलग हो जाए। क्योंकि जब आईसी को उठाएंगे तो कंपोनेंट वहीं के वहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आईसी को उठाने के टाइम पे कंपोनेंट आईसी को रोकेगा, और उस टाइम पे या तो कंपोनेंट उखड़ जाएंगे या तो आईसी का पैड उखड़ जाएंगे, या तो दोनों ही। तो आपको पहले एक चारों तरफ है ना, एक कट लगाना पड़ेगा जो कि उसका पेस्ट में है, मतलब पेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फाइंडेक्स। ठीक है, पीसीबी होल्डर, फाइंडेक्स पीसीबी होल्डर सबसे बेस्ट पीसीबी होल्डर है अब तक, अगर आप यूज करते आए हैं नॉर्मल पीसीबी होल्डर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पीसीबी होल्डर में कितनी अच्छे तरीके से ये होल्ड हो जाती है, काफ़ी हैवी मटेरियल है, और मैं फाइंडेक्स को ही यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें साइड ग्लू कट करना है। साइड ग्लू कट करने के लिए यहाँ पे आप 11 नंबर का ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप 007 काइंडली भी यूज़ कर सकते हैं। उसको लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, कोई छिनली बोलता है, कोई किनली बोलता है, तो अलग अलग है, आपकी इच्छा है, आपको उसको जो बोलना है आप उसको बुलाइए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर जैसे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क आपको पड़ना चाहिए कि बेसिकली क्या मैटर है। चलो, इसको हम निकालेंगे हमारी एसएमडी से। तो हमारी जो एसएमडी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ R1। तो बेसिकली मैं R1 एसएमडी भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, मेरे पास में काफ़ी एसएमडी है यहाँ पर, और मैं 857DW+, सो मैं सुगुन का मेरे पास 858D भी है और R1 भी है, तो मेरे पास में काफ़ी एसएमडी हैं। खैर, तो अभी मैं ग्लू कट करने के लिए कोई भी नॉर्मली एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ हीटिंग ये बताना चाहता हूँ, तो जो एयर है आपको 50 पर रखना है, और जो हीट है आपको, टेम्परेचर है, वो आपको 270 तक रखना है। ठीक है, आपने आईसी की किनारे की ओर कट करना है, कंपोनेंट की ओर नहीं चलाना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो स्क्रैपर है वो आईसी के साइड में चलेगा, आपने कंपोनेंट की ओर नहीं चलाना, बीच से नहीं चलाना। और जो 11 नंबर का ब्लेड अगर आप यूज करते हैं तो नया मत यूज करना, नहीं तो स्क्रैच मार दोगे। ठीक है, तो आपने, और अगर आप काइंडली भी ये, मतलब ये वाला ब्लेड भी नया यूज कर रहे हो, थोड़ा सा इसको घिस लेना, ये देखिए आपको हटाना है, जब जब आपको यूज करना है तब तक आपको सामने रखना है, ये देखिए, एक और चलाना है, आपको दोनों ओर नहीं चलाना है। या तो, अच्छा ये क्या है, ये आगे से पीछे की ओर जाता है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब आपको एक मैं बहुत हल्की सी ट्रिक बताता हूँ, आपके काम में आएगी। आपने बस इसको रख के, बस एक जगह आपने हल्का सा ऊपर नीचे, ओके, ऊपर नीचे आप ये कीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये जो सरफेस लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये सरफेस लेयर आपको क्रैक नहीं करनी है, मतलब क्योंकि ये लेयर आपने कट कर दी, तो आपको हो सकता है कि
कोई प्रॉब्लम आ जाए बोर्ड के अंदर, अब यहाँ पर ब्रेक करना है। ये जो कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोजेस्ट टू योर पावर आईसी, ये आपकी बीपीएच लाइन के कैपेसिटर हैं, और मीडियाटेक के अंदर हम इसको बेसिकली वीवैट एसवाईएस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं आईसी की ओर आपको चलाना है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये जो आपको स्क्रैच दिख रहा है वो स्क्रैच नहीं, वो गोल्डन पार्ट है हमारे आईसी का, और ज़्यादा है तो यूज़ आप अपना स्क्रैपर यूज़ करें जिसका आप डेली वर्क करते हैं, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमने एक और क्लीन कर लिया है, अब हम एक और साइड क्लीन करेंगे। तो देखिए आपने ध्यान देना है कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नोजल से, वो बहुत छोटा यूज़ नहीं करना है आपने, थोड़ा सा बड़ा, आप मेरा नोजल देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने नोजल यूज़ किया है, आप अपने साइज के हिसाब से इस नोजल को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सिर्फ एक साइड का बचा हुआ है, तो हम एक साइड को भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी हीट काफ़ी कैलकुलेटेड है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कोई भी आजू बाजू पतरा या केन लगाने की, जो हमें शील्ड से या किसी को छुपाने की, बट आप अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा साइड ग्लू कट हो चुका है, अब हम अपने बोर्ड से आईसी को बाहर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको कौन सा किनारे से आपको आईसी उठानी है, क्योंकि पेस्टेड आईसी है इसलिए आपको इस तरह के टूल की जरूरत पड़ेगी, स्क्रैपर की, ठीक है। जनरली 11 नंबर से बिल्कुल मत उठाइएगा क्योंकि ये 11 नंबर आपको स्क्रैच कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, यहाँ से उठा सकता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, मैं हर कोने से उठा सकता हूँ, तो यहाँ से उठाऊँगा तो भी ठीक है। अच्छा यहाँ बीच से भी उठा सकते हैं, बट कई लोग क्या करते हैं आईसी उठाते समय ना ये सरफेस लेयर लेयर पे है ना स्क्रैच कर देते हैं, यहाँ पे गड्ढा ही कर देते हैं, है ना, ऐसा नहीं होना। देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ से उठाने पर मैंने देखा, आपने नोटिस किया होगा कई लोग ये कॉम्पोनेंट को या ये अपने कॉयलों को ही हिला देते होंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा आईसी को, अब कैलकुलेटेड हीट और टेम्परेचर रखना है, तो आप अपनी 340 आप हीट रख लीजिए, और जो आप अपना एयर रखेंगे वो 50 रख लीजिए, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा 10 राउंड दूंगा कम से कम ऊपर ही ऊपर आईसी के, आसपास का एरिया ही गर्म है हमें पता चल जाता है। पेस्टेड में क्या होता है ना आसपास से थोड़ा से उसके बॉल्स निकलने लगते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी आईसी हीट होना चालू हो गई है, ठीक है। ये देखिए पहले मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले, थोड़ा जूम करके आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखिए साइड में ये देखिए जो छर्रे छर्रे जैसे दिखाई दे रहे हैं वो मेरी पावर एसी के नीचे से अंदर से निकल रहा है।
ठीक है। पेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कुछ राउंड के बाद हल्का सा देखिए स्क्रैप डाल के कि आईसी की क्या कंडीशन है। देखिए आपका जो टाइमिंग है वो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग कम रहा तो आप अपने पैडों को निकाल देंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो आईसी है इसका एक भी पैड नहीं ब्रेक हुआ। प्लस मेरी जो दोनों के पैड है मतलब एनसी पैड भी नहीं निकला है। बट एनसी पैड का मैं रोना नहीं रोना है। देखो एनसी पैड एक लूज कनेक्शन होते हैं, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन करते समय एनसी पैड निकल सकते हैं, ठीक है। और ये जनरली आपके पीसीबी के ऊपर होते हैं, आईसी के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे और अपने बोर्ड को देखेंगे कि हमारा बोर्ड किस कंडीशन में है, कोई लीकेज वीकेज तो नहीं हुआ। अब इसको क्लीन, अच्छा यहाँ पर ये इसका सरफेस लेयर है, कोई स्क्रैच नहीं है, ठीक है। मैं पहले बता दूँ ये जो है ये सरफेस लेयर है, ये दिख रहा है ये सरफेस लेयर है, ये स्क्रैच नहीं है, ठीक है। अब इस पे हम दो तीन टेक्निक है हमारे पास क्लीन करने की, तो मैं आज रोजीन टेक्निक यूज करूंगा। आरएन चलाना है, आरएन का टेम्परेचर आप 350 से 370 या 380 तक रख सकते हैं। जो भी बड़े बॉल्स हैं पहले हमें वो बाहर निकालना है। ठीक है, अब इस पे हम डीसोल्डर वायर चलाएंगे हल्के हल्के से। आपने डीसोल्डर वायर को है ना पहले गर्म करना है हल्का सा, रखने के बाद एकदम से नहीं चलाना है। अगर आपके पैड जा रहे हैं, आपके बन नहीं रहा है, आप करना चाहते हैं, अब डर लग रहा है आपको, आपने अभी तक अपनी पहली आईसी भी नहीं की है, तो आप इसे रेलियो को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट स्कमैटिक से भी कहीं बढ़कर आईसी लेवल पे ज़्यादा फेमस है। और हम आईसीओ में सक्सेस हमारा 100 है। आपको आईसीओ पर गजब इतना नॉलेज, हम आपको प्रैक्टिकल कि हमारे डेली सीपीयू एमएमसी कराते हैं डेली। अगर हम लाइट भी पढ़ाएंगे तो भी सीपीयू करवा रहे हैं, अगर हम ग्राफिक्स पढ़ा रहे हैं तो भी सीपीयू करा रहे हैं, अगर नेटवर्क पढ़ रहे हो तो भी सीपीयू कर रहे हो। नहीं तो लोगों के यहाँ से एक दिन दो दिन की क्लास होती है हमारे यहाँ डेली, क्योंकि हमारा हैंड स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपना एडमिशन जल्द से जल्द ऐसे टेलीकॉम में कराएं। पर हमारे यहाँ एडमिशन वही कर सकता है जो हमारे डिसिप्लिन के साथ काम कर सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन में ही आउटपुट निकलता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है पर फिर भी आप सक्सेस नहीं है, क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन में हैं। तो एक बार बार चलाना है आपको, उससे ग्लू कट करनी या ग्लू उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। सिर्फ आपने हल्का हल्का से एक बार चलाना है। अब
अब आप कंडीशन देखिए हमारे पैडों का, तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी कुछ स्क्रैच नहीं है या कहीं पर भी किसी तरह के पैड निकले नहीं हैं। अब हमें हमारे जो पैड है उनको क्लीन करना है, वापस वही हीट और टेम्परेचर रखें जो मैंने शुरू में बताया था। और अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया है और आप डायरेक्ट देख रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने क्या बोला ना, आप डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन का मतलब टाइम से आना नहीं होता, बहुत कुछ होता है, यही चीज़ स्टूडेंट सीखते हैं हमारे। तो स्क्रैपर हम ये वाला यूज़ करेंगे, अगर आप काम कर रहे हो आपको चट चट की आवाज़ आए तो आपने घबराना नहीं है, वो आपका थिनर है बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर स्पेशली ये लेयर जुड़ी हुई दिखाई दे तो इसका मतलब पहली बात तो आपने गलती की, आपने ना डी सोल्डर वायर गलत तरीके से चलाया है। दूसरा, घबराना नहीं क्योंकि वो आपस में जुड़ी होती हैं तो उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, यूवी ग्लू का यूज़ करना उस पर। तो देखो यहाँ पे एक एनसी है तो हमारे को उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एनसी बाद में निकलते हैं, एक आप निकलने दो। ठीक है, ज़्यादा क्लीनिंग के चक्कर में भी हमारे पैड निकल सकते हैं क्योंकि इस बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। ठीक, अब आप देख सकते हैं, अब एक बार हम फिर से डी सोल्डर वायर चलाएंगे। पिछली बार हमने ग्लू के साथ चलाया था, अब हम पेस्ट के साथ चलाएंगे। जीरो होने चाहिए बोल, मतलब उस पर कोई भी सोल्डर नहीं होना चाहिए। वैसे पावर एसी बैठ जाती है, पावर एसी का कोई इतना सीन होता नहीं, छोटी एसी है क्योंकि ये। ठीक है भाई, तो हमारा एक स्टेप हमारा पूरा डन हो चुका है। अब हमें अपनी बोर्ड को एक बार पर हम चेक कर लेंगे कि कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सीपीयू और सीपीयू के आसपास भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए सीपीयू के आसपास, देखो पहले तो आई डायग्नोस से ही पता चल जाएगा कैसे। अगर आपके सीपीयू के पास आपको वही छोटे छोटे बॉल्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब समझना कि आपका गेम ओवर हो चुका है, मतलब आपको सीपीयू भी रिबॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक बार लगा के दिखाते हैं आपको। तो आप ये मशीन देख सकते हैं कोराट की, रेड कलर की। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन में किसी भी तरह की शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है, ऑटो लीकेज नहीं है, मतलब हमारा पहला स्टेप अच्छे से डन हो चुका है।
अब रीडिंग तो ये कुछ नहीं लेगा क्योंकि पावर ही नहीं है। अब हम पावर का काम करके इसको रिवॉल्व करके लगा देते हैं। तो हम पीसीबी होल्डर का यूज करेंगे। आप देख सकते हो ये आपकी पावर है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर पेस्ट डालूंगा और डी सोल्डर वायर चलाऊंगा। क्योंकि ये ग्लास आईसी नहीं है तो इजीली यहाँ पर क्लीन हो जाएगी। थोड़ा सा अपना हार्ड ब्रश चला लेना तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, बिल्कुल भी टाइम ना खोते हुए मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब थोड़ा बहुत जो ग्लू है मैं हीटिंग से उसको क्लीन करूंगा। पावर के ऊपर का सरफेस बहुत पतला होता है एक पेपर के जैसे, तो इस पर ज़्यादा नहीं चलाना है नहीं तो आप बहुत जल्दी स्क्रैच लगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पावर आईसी हमारी रिवॉल्व हो गई है। इसके टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे 183 डिग्री से, 138 से भी कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पेस्ट होगा वो 200 के ऊपर आता है कंपनी से, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। पावर आईसी रिवॉल्व होने के बाद हम उसको पावर आईसी रिवॉल्व करेंगे, मतलब पावर आईसी रिवॉल्व होने के बाद तो लगानी है। पावर आईसी रिवॉल्व करने के लिए आप यूनिवर्सल स्टेंसिल का यूज़ कीजिए, इसके लिए अलग से स्टेंसिल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने स्टूडेंट को यूनिवर्सल से ही सीपीयू और सारी आईसियाँ रिवॉल्व करना बताते हैं। और मैंने कहा एक दिन नहीं, हमारा कोर्स एक्चुअली सीपीयू कोर्स है। स्कीमेटिक डायग्राम तो हम आपको बिना स्कीमेटिक से पढ़ाएंगे, हर आईसी के आपसे वोल्टेज निकलवाएंगे, आप समझ रहे हैं। अब हम यूज करते हैं एक यूनिवर्सल स्टेंसिल, तो देखो हमें मिल गया है। थोड़ा हम इसको क्लीन कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे को लाइव देख सकते हैं फेसबुक पे एसर टेलीकॉम सर्च कीजिए, खाली लिखिए एसर टेलीकॉम और हमारी डेली क्लासेस लाइव देखिए, ठीक है।
डेली लाइव देखिए, 27 तारीख के बाद से अब हमारी क्लासेस डेली लाइव देख पाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमारा बैच ख़त्म हुआ है, अभी तो हमें रिसेंटली थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, अब हमें पेस्ट यूज़ करना है, तो ऑलरेडी मैंने एक पेस्ट बना के रखा हुआ था, वही लगा दूंगा जो भी मैं आईफोन पे काम कर रहा था। ठीक है, रिवॉल्विंग के लिए 300 रख लीजिए टेम्परेचर, और एयर को रख लीजिए 40। अब इस पर फिर से पेस्ट भरेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आईसी पूरी तरह से रिवॉल्व हो चुकी है। ठीक है, बॉलों को अपने जगह पे वापस लाने के लिए एक बार हीट करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर से फिलहाल पेस्ट नहीं डाला था। ये एक यूनिवर्सल स्टेंसिल है, क्योंकि इसमें साइड में भी जगह खाली होती है, उसमें पेस्ट भर जाता है। अगर हम पेस्ट डालते तो ये पॉपअप होके और उछल के इसके ऊपर आ सकता था, इसलिए हमने पेस्ट अब डालेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं पेस्ट डालने के बाद ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा सारा। देखिएगा, ये देखिए, तो ये आपकी आईसी परफेक्टली रिवॉल्व वन टाइम। अब तो चलिए हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ग्लास आईसी को कभी भी हाथ में रख के क्लीन मत कीजिएगा, क्योंकि ग्लास आईसी अगर हाथ में रख के क्लीन करेंगे तो आपका आईसी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आईसी तो रिवॉल्व हो गई है, अब हम इसको क्लीन करेंगे, इसको हम रिमाउंट करेंगे और हमारा फाइनल स्टेप हमारा डन। चलिए, तो अब आपको नोज कट पॉइंट का बहुत ध्यान देना है, आप अगर नोज कट पॉइंट गलत लगा लेंगे तो फिर होगा ये कि आपका फोन शॉर्ट हो जाएगा। और पेस्ट यहाँ ना देखे, यहाँ देना है। आप ये सोच लेंगे ऐसा क्यों, ये टेक्निक है, बस आप ये समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं देना है, थोड़ा सा ही देना है।
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आईसी का मूवमेंट, पतला सा ट्विजर हाथ में रख लीजिए, किनारे साफ करके, उसमें कोई एक्स्ट्रा गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीन सौ पचास पे रख लीजिए हीट और 40 पे रख लीजिए एयर। और मूवमेंट देते रहिए। आपने पेस्ट बाहर निकलते हुए देखना है चारों तरफ से, या आपके आईसी मूवमेंट होते हुए देखना है, क्योंकि हमने कम पेस्ट लगाया था इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस्ट और लगाएंगे। तो आप देखिएगा जितना पेस्ट यूज़ करना है उतना ही मैंने लगाया है, नहीं तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करके गंदगी मचा देते हैं। ये देखिए अब आप देख रहे होंगे जो पेस्ट है वो बाहर निकल रहा है समुद्र की लहरों के जैसे। ये देखिए आईसी ने मूवमेंट किया, मेरा आईसी तो अब लग ही चुका है पर मैं टच करूंगा। तो टच करने से फर्क ये है कि सिर्फ इतना पता चल जाता है कि आपने टच किया, तो अगर वो आईसी मूवमेंट ले रही है तो इसका मतलब है कि सारे बॉल ओके हैं। अगर मूवमेंट नहीं ले रही मतलब कोई बॉल उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब आपने इसको बोर्ड को ठंडा करना है, तो मैं यूज कर रहा हूँ MC18। ये आपको रामराज चूल भोपाल या मलिक सेल से मिल जाएगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ 27 तारीख से ईस्टर टेलीकॉम की क्लास चालू हो जाएगी, तो पहले दिन तो सुबह से काउंसलिंग है, तो 11 बजे देखिएगा मैं लाइव, और अगले दिन से सुबह 8 बजे और रात के 11 बजे तक लाइव देखिएगा, क्योंकि हम 6-7 घंटे नहीं पढ़ाते, हम 12 घंटे पढ़ाते। तो जिसकी क्षमता नहीं है 10-10 घंटे पढ़ने की वो बिल्कुल ऐसा टेलीकॉम मत आना। ऐसा टेलीकॉम में एडमिशन कभी भी स्टूडेंट बोले तो नहीं देते, आप भले इलाकों में भी दे, यहाँ स्टूडेंट को भी एवलुएट किया जाता है कि वो लायक है कि नहीं है सीखने के। चलो देखो, तो मैंने बोला फाइनली हमारा काम हो चुका है, अब हमें ये चेक करना है आईसी लगाने और निकालने में। देखिए हमने ज़रा भी सीपीयू को छेड़ा नहीं है, एमएमसी और सीपीयू, ये तो हमें पता चल जाएगा। अगर एमएमसी छिड़ेगी तो ये स्टक रीडिंग ले लेगा, सीपीयू छिड़ेगा तो ये लो बूटिंग पे चला जाएगा या हाई बूटिंग पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले और अब में कितना अंतर है, पूरा ब्लैक पेस्टेड था, हमने साइड से पूरी चारों तरफ में जगह बना दी है। चलो तो यहाँ पर कोराड मशीन मैंने सेट करके रखी है, तो सबसे पहले देखेंगे कोई रीडिंग ऑटो रीडिंग या कुछ। तो चलो कोई भी रीडिंग नहीं है, मतलब फ़ोन में शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब दोनों को प्रेस करते हैं पावर की को और रीडिंग देखते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया था शुरू में और रीडिंग नहीं देखी थी ऑन फोन की, तो उसको फिर से शुरू से देख लो एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बूटिंग हो गई है, सेम बूटिंग बिल्कुल हमारी जो शुरू से हो रही थी, अब ये 200 के बजाय की देखो
और ये 200 के बाद में ये देखो 300 पे चले गए, मतलब हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ओके हो चुका है और हमने सक्सेसफुली अब इसकी पावर को रिकवर कर लिया है। देखिए 500 पे चली गई है, ठीक है। तो ये हमने किया है हमारे ब्लैक पेस्टेड आईसी को। तो ये वीडियो तो हमने ऑलरेडी बहुत पहले भी बना के डाले हुए हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बट बेसिकली ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करके बताया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और कोशिश यही है कि आप भी ऐसा काम करें जो फ्रेशर हो। देखो जिनको काम आता है वो कमेंट मत करना, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो अगली बार कमेंट करने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। लायक का मतलब डिसेबल कर दूंगा मैं कमेंट उनके पर्सनली। तो देखो जो काम आपने सीखा था वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अरे ये तो हमारे लिए चुटकी का खेल है, ठीक है मान लेता हूँ। जब पहली बार जब तुमने किसी आईसी को टच किया होगा या जब सीखने गए होगे तो चुटकी का खेल था क्या? तो ये क्या होते हैं ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, ये अपना पास्ट नहीं देखते हैं कि एक फ्रेशर बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक आईसी को सही तरीके से लगा दे, क्योंकि अभी 90% आज की डेट में आईसी का काम भी बहुत से टेक्नीशियन नहीं कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूट के जाने के बाद। एसर टेलीकॉम की रही बात स्टूडेंट की, तो वो तो चौथे दिन में तीसरे दिन में रिजल्ट बता देता है हमारा लाइव पूरे हिंदुस्तान में आकर, फेसबुक में आप जाके देख सकते हो। और हमारे टेक्नीशियनों का हैंड स्किल इतना नेक्स्ट लेवल का है कि आप उनको टीचर, आप मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग टोनी से पढ़े होंगे जो हमारे स्टूडेंट होंगे। क्या ये बोलना और इस पर बातचीत करने पर तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और मैं दिन भर और रात भर बातचीत कर सकता हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टॉक विद दिस इन लाइक दिस कॉमेंट्स एंड टॉपिक। बट क्या है ना कि आप जो सोच के चलते हो आपको बस वो मंजिल को पूरा करना है। देखो मैं आपको भी एक बात कहूँगा, आप इंडस्ट्री मोबाइल इंडस्ट्री में हो या आप पंचर भी बनाते हो या रास्ते में आप भीख भी मांगते हो ना, कोई भी इंडस्ट्री आपकी वॉट सो एवर, इफ नो बडी डजेंट मैटर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, किसी भी मंजिल में आप ब्रेड लेने भी निकलोगे ना तो रास्ते में इतने लोग आपको मिलेंगे जो आपको डिमोलाइज डिमोटिवेट ये सब करेंगे, नेगेटिव करेंगे जो आपको। प्रॉब्लम ये है उनको जवाब देने बैठ जाओगे ना तो आप अपना काम कभी नहीं कर पाओगे, और सबसे ज़्यादा लोग आपको आपके घर पे मिलेंगे। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? आपको घर पे मिलेंगे मतलब आपके रिश्तेदार ही आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे, आपको उन्हें जन्म ही नहीं आपको नीचा दिखाने के लिए लिया है। बट आपको उनको बोल के नहीं बोलना है, आपको अपने काम करके रिजल्ट से बताना है। 5 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, फिर देखो क्या होता है, तो ये करके बोलना है, ठीक है। एक दिन में 2 दिन में तो भगवान ने सृष्टि भी नहीं बनाई होगी, हाँ एक दिन में तो कुछ बनता ही नहीं है और जो बनता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो बी पेशेंट, वी हैव कीप जस्ट कीप पेशेंट एंड विदाउट पेशेंट यू कांट डू एनीथिंग, है ना। MBBS करने में 5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगती है, आप समझो कुछ भी एक बार में नहीं होता। तो मोबाइल रिपेयरिंग को इतना हल्का मत लो कि 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। तो इसलिए हम उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते हैं जो बहुत जल्दी में रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सीखना है तो बहुत अच्छे से ही करना होगा काम, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और आशा करता हूँ कि ऐसा नया टॉपिक लाऊंगा। इसी फ़ोन के अंदर मैं PS ओल्ड मतलब वॉच डॉग आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और इसी फ़ोन के अंदर मैं आपको ये MIMC और उसका CPU भी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है हीटिंग के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही लगे, और जो मैंने बताया उसको कॉपी में नोट करके बाद कोशिश करना, और नहीं होता है तो समझ जाना कि वीडियो से देख कर ना कार चलाना सीख सकते हैं ना तैरना सीख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल काम है। एक गुरु चाहिए आपके पास, और गुरु वही हो सकता है जो डांट लगाए, गुरु वही हो सकता है जो डांटने की क्षमता या औकात रखे। अगर गुरु, अगर आपका एज ए बीन टीचर आपसे सर सर करके बात कर रहा है, जी जी करके बात कर रहा है, तो वो आप उसके स्टूडेंट नहीं हो, आप उसके क्लाइंट हो, समझ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?